तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेई मेंस 71 इयर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चन तुमने पूछा है वो क्वेश्चन 23, 29 और 34 है, ठीक है। और ये दिशा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, अ कॉइल इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सुनते रहना क्योंकि मुझे भी समझना पड़ेगा। 2012 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। A coil is suspended in uniform magnetic fields, with plane of the coil parallel to the magnetic fields lines. Plane of coil. एक coil इसमें बना लो, magnetic field lines इसके parallel. इसके parallel. When current is placed through the coil, it start oscillating. जब इसमें current flow करता है ना, एक coil oscillate करना शुरू कर देता है. It is very difficult to stop. बट इफ एन एल्यूमिनियम प्लेट इज प्लेस नियर द क्वायल, इस क्वायल के पास एक एल्यूमिनियम प्लेट रख दिया जाता है, दिस देन क्वायल इज स्टॉप ड्यू टू दिस। अच्छा, पहली बात, इस क्वेश्चन के आंसर करने के लिए ना तुम्हें ये जो चार ऑप्शन होते हैं जेई मेंस में, एक सबसे बड़ी खासियत होती है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स। तो चार ऑप्शन पढ़ो, जो तुम्हें सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा उसको मार्क करो। ये जेई मेंस की नहीं है, जेई एडवांस की भी खासियत है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को मार्क करो। हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 71 इयर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जेई मेंस क्वेश्चन एंड 2012 का क्वेश्चन। ऑप्शन ये पढ़ो अभी, तुमको हर बात ना ऑप्शन से ही समझना है व्हिच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर। ए, डेवलपमेंट ऑफ एयर करंट व्हेन प्लेट इज प्लेस्ड। जब इसको रखते हो तो इसमें बीच में एयर करंट आता है, एयर करंट ना उड़ के आएगा क्या? नो चांस एयर करंट। बी, इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द प्लेट। इंडक्शन किस तरीके की इंडक्शन है मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही। रीजन इसलिए कि करंट है, ठीक है, तो नेट चार्ज तो जरूरी रहेगा हमेशा। इंडक्शन किस तरीके की आ रही है अभी, ये भी एक क्वेश्चन मार्क ही है हमारे। इसके बाद कह रहा है सी पार्ट, शील्डिंग ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एज एल्युमिनियम इज पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, शील्डिंग ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स। और डी पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन एल्युमिनियम प्लेट गिविंग राइज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, और यही इसका डी पार्ट आंसर है। डैम्पिंग इंपॉर्टेंट है, पता है, ये एल्युमिनियम के वजह से इसमें डैम्पिंग शुरू हो जाती है, इसके अंदर डैम्पिंग शुरू होती है, वो डैम्पिंग धीरे धीरे एनर्जी को लॉस कर देता है, जैसे कि उसमें होता है, नहीं वो मैग्नेटिक नीडल से होती है ना, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में याद करो नीचे एक डैम्पिंग लगा होता है, वो डैम्पर क्या करता है उसको इक्विलिब्रियम पे रोक देता है, अदरवाइज अगर अचानक से करंट फ्लो करता है ना तो ऑसिलेशन शुरू हो जाता है, बट वो ऑसिलेट नहीं करता इसलिए रुकता है, दिस इज बिकॉज ऑफ डैम्पिंग। तो डैम्पर लगा होता है नीचे, उसी तरीके से एल्युमिनियम डैम्पिंग का काम करता है ताकि इसकी एनर्जी ऐसे ऑसिलेट करा था ना वो ऑसिलेशन धीरे धीरे। याद रखना इलेक्ट्रॉन डैम्पिंग बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, डैम्पिंग वाला वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ये दो बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 में ये अप्रैल 2009 का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 29। और एक और चीज, जो भी तुम्हें डाउट्स होंगे तुम अलग से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। 29 में कह रहा है थिन स्ट्रिप ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। सुनते रहना, मैं डायग्राम बना लेता हूं। सबसे पहले इस तरीके से प्लेट है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और यहाँ पे इस तरीके से जो भी डायग्राम है मैं बनाता हूँ बाद में देखा जाएगा। और ये बी यहाँ पे लिखा गया मैग्नेटिक फील्ड बी। क्वेश्चन रीड करते हैं, कह रहा है कि अ थिन स्ट्रिप 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ऑन यू शेप वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। आराम से पढ़ो ना, यू शेप वायर है नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का, एंड इट कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के उन्होंने दे रखा है 0.5। द एग्जांपल इज कैप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू है 0.1 टेस्ला। इफ स्ट्रिप इज पुल्ड फ्रॉम इट इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज। गुड, सुन रहे हो, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रख के इसको छोड़ दिया गया।
The number of oscillation is performed before M2 decreases by factor of E is capital F. If the mass of a strip is 50 mics, इसका जो मास है वो 50 ग्राम है, इट रेजिस्टेंस इज 10 ओम और इसका इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है दिस इज 10 ओम, एन विल बी क्लोज टू, इस एन की वैल्यू पता करनी कितनी है, ठीक है। तो चलो पहली बात क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले मुझे खुद ही नहीं समझ पा रहा कि क्वेश्चन का अटेम्प्ट कैसे। अब समझ गए क्वेश्चन नंबर 29 को। अच्छा ये क्वेश्चन ना जब भी ऐसा टर्म आएगा ना ई का टर्म आया इसलिए मेरे दिमाग के तो पहले की भरती है इस बात को कि ई का टर्म एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही है और एम्पलीट्यूड घट रहा है, तीसरी क्लियर कर दिया कि ऑसिलेशन डैम्प रहा हो, मतलब इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे ऐसे घटते 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 जीरो डैम्प ऑसिलेशन। तो मेरे दिमाग कहा कि डैम्प ऑसिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये देख लिया जाए। तो डैम्प ऑसिलेशन का फॉर्मूला ये पढ़ा था वहां पे ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी अपॉन 2m इनटू टी, ये डैम्प ऑसिलेशन का फॉर्मूला मैंने तुमको बताया था, ठीक है। ऐसे चल के अब कह रहे हैं कि ए नॉट अपॉन ई हो गया, ए नॉट अपॉन यहां पे ए नॉट अपॉन ई रख दो, यहां पे जब ए नॉट अपॉन ई रखोगे तो हो जाएगा ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी अपॉन 2m इनटू टाइम इन टी1, यहां से टी1 की जो वैल्यू आएगी ये a नॉट से ना का लॉग लोगे तो ln e 1 बन जाएगा ना, लॉग लोगे तो ln e बराबर माइनस ln e बनेगा ना और इस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बनेगा 1 is equals to b upon 2m into t1, सही है। इससे t1 की वैल्यू आएगी 2m upon b इतने टाइम, ठीक है। और एक और डैम्प ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला हमें फिर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो डैम्प ऑसिलेशन में टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ओके। तो हम लोग अब डैम्प ऑसिलेशन का टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करेंगे, उसका फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था याद करो, टाइम ओमेगा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर, अभी तुम साथ रहना ओमेगा हमने इसे पढ़ा, ठीक है। अब थोड़ा वैल्यू प्लेस करते हैं, साथ रहना प्लीज। और ओमेगा कांस्टेंट है ना, दिस इज टाइम पीरियड इज कांस्टेंट, और जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन आएगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन वो पता है कितना आएगा भाई, इतना टाइम लगा और एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कैपिटल टी है, तो तुम क्या करोगे इस टी1 को मतलब 2m अपॉन b को डिवाइड कर दो किससे, कैपिटल टी से डिवाइड कर दोगे, समझ रहे हो ना भाई, टाइम को टाइम से डिवाइड कर दो ना। अब वैल्यू पता करते हैं ओमेगा की वैल्यू, अब b निकालना पड़ेगा तुम्हें, तो b के लिए इस वाले फॉर्मूले में b निकालना है तो इसकी FBD बनाओगे ना, इसकी FBD बनाओगे तो स्प्रिंग फोर्स kx ऐसे दिखा दो, ठीक है। और ये जो फोर्स आएगा इस पे करंट फ्लो करेगा i dBm emf से, तो dBm dBl अपॉन रेजिस्टेंस r करोगे तो इसका करंट आ जाएगा, dBl अपॉन r से करंट आ जाएगा, और इसका फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है ILB, तो ये करंट i है इसी को ILB कर दो, ये b स्क्वायर इस पर फोर्स बन जाएगा। अब जब नेट फोर्स की बात करोगे नेट फोर्स वो क्या बनेगा, kx माइनस b b स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन r बन जाएगा, सही है। और डैम्प ऑसिलेशन में इस फोर्स को पाया गया था तुम्हें याद होगा kx माइनस b इनटू v b इनटू v, अब ये जो वेलोसिटी है b है वो यही तो टर्म है, अब इस वैल्यू को निकालना पड़ेगा। एक काम करो यहाँ पे लिखा है 2m अपॉन स्मॉल b के जगह क्या लिखोगे, ये लिखोगे b स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन r ना, ठीक है। अब एक काम करो इसकी वैल्यू पता कर सकते हो कितना आएगा, टू मास कितना लिया गया 50 ग्राम, तो ग्राम है तो 10⁻³ बनेगा, रेजिस्टेंस r कितना है, रेजिस्टेंस कितना दिया गया 10 ओम एंड डिवाइड बाय फिर b की वैल्यू कितनी है 0.1 का स्क्वायर तो 0.01
और क्या है एल का स्क्वायर, लेंथ एल क्या 10 सेंटीमीटर इज अगेन 0.01। कंसन चेक करते रहना भाई, एल जो है 0.1 का स्क्वायर, जो बी है 0.1 का स्क्वायर, यही बनेगा। ऐसा तुम इससे देखना क्या जाएगा, इससे तुम ये 50 है ना, तो ये 5 गुणी 10 ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, ये 0 यहां से 0 यहां से 0 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 10^4 बन जाएगा, 3 निकल गया। अब ओमेगा निकालना है, मैं क्लिक किया पा रहे हैं, k कितना है तभी तो 0.1 का स्क्वायर किया, और यहां से जो k आएगा k कितना देगा, स्प्रिंग का कांस्टेंट k 0.5 है। आप मान मास क्या दिया गया क्वेश्चन में, मास है 50 ग्राम, 50 ग्राम है लिख लिया। बी की वैल्यू कितनी है, स्मॉल बी, स्मॉल बी 8 निकालना है ना, स्मॉल बी को रेज से बी स्क्वायर इस तरह बना, यहां से क्या करो इसे हटा दो। अब मुझे बताओ स्मॉल बी के जो बातें नहीं करना तुमको, बी का स्क्वायर, इसके स्क्वायर कॉल है 0.01, एल कितना है 0.01 है, सुनते रहने बात, इसका स्क्वायर किया 7 है, इसका स्क्वायर किया 7 अपन आर, आर कितना रेजिस्टेंस इसका 10, ये कितना बनेगा 10^-5। अच्छा इसलिए जरूरी है ना क्योंकि अरे उसको वेरीफाई करना जरूरी है कि कितना कम है कितना ज्यादा है, ये 10^-5 बनेगा ना, तो यहाँ पे मैंने 10^-5 का स्क्वायर करूँ तो 10^-10 बन जाए आप 5/4, और मास कितना लिया इसका 50 ग्राम, तो 50 × 10^-2 तुम्हें यहीं से बात समझ में आ गई कि ये जो डेटा है इट इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि 10^-10 से और ये टर्म तो आपस में इक्वलिज्म लाए अप्रोक्सीमेट, इसको तुम नेगेट कर सकते हो, तो इससे ये जो वैल्यू आएगी ओमेगा की वैल्यू बता सकते हो कितनी आएगी, ये एम स्क्वायर होगा ना, तभी भी तो 50 ग्राम है ना, तो एम स्क्वायर करोगे तभी भी वैल्यू कमी आएगी, पता है कितना, अरे देखो तो स्क्वायरिंग करो 50 की स्क्वायर क्या बनेगा 2500, 10^-6, तो ये कितना आ सकता है बता सकते हो, ये 0 आ सकता है, 4 बनेगा, बनेगा ना 4 बनेगा, अभी भी तुम देखना अभी भी 10^-6 बन रहा है ठीक है, और ये 10^3 बन रहा है, मतलब अभी भी वैल्यू बहुत ही कम है, सही है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी बताओ, ये वैल्यू ये 0.1 है ना, इसको हटा के ये 0.2 बना दो, अब 5 से 5 कटेगा क्या बनेगा √10 बनेगा, ये √10 बनेगा, तो टाइम पीरियड कितना आएगा इससे, टाइम पीरियड तुम निकाल सकते हो, दिस इज 2π/ω ना √10 सही है। अब एक और बताते हैं, ये √10 इसको कैंसिल कर दे, पाई स्क्वायर इज 10, तो ये बन गया सिर्फ 2, तुम्हारा टाइम पीरियड इज 2, अब टाइम पीरियड 2 है तो ये आया ना 10^4/2 टाइम, ये तो आ गया 10^4 टाइम आ गया, और टाइम पीरियड 2 10^4/2 आंसर इज 10^4/2 आंसर इज 5000 पास हो गया। इसीलिए देखो ये बेटर सॉल्यूशंस हैं कि एक्चुअली क्या है डेटा, तुम्हें उसे नोट करना जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 34 ना, क्वेश्चन नंबर 34 का, 34 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि आ इंसुलेटिंग थिन रॉड ऑफ लेंथ एल हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी रो नॉट इन एक्स अपॉन एल, बात नहीं करोगे प्लीज, ये 2019 का क्वेश्चन है फर्स्ट टेस्ट का, इंसुलेटिंग थिन रॉड ऑफ लेंथ एल हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी इतना ऑन इट, द रॉड इज रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे रोटेट कर रहा है इस तरीके से, रॉड ऐसे घूम रहा है, रॉड ऐसे घूम रहा है और उसकी डेंसिटी इसको गवर्न कर रही है, इफ रॉड मेक एन रोटेशन पर सेकेंड, एन रोटेशन पर सेकेंड,
एन रो, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, एन है, तो इससे फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा अपॉन टू पाई ना, ओमेगा अपॉन टू पाई, इससे ओमेगा की वैल्यू आएगी टू पाई एन, ओमेगा मिल गया। इफ रॉड इज रोटेट इतना, देन द टाइम एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रॉड इज, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रॉड, टाइम एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट होता है याद करो एन आई ए, पढ़ा करो उसी का हेल्प लेंगे, तो हम इसका इंट्रोगेशन का हेल्प लेंगे। सुनो, एक्स जाके डी एक्स की स्पीड सेलेक्ट कर लेंगे, और ये इसकी सही मोशन कर रहा है ना, सही है, तो लिखोगे मैग्नेटिक मोमेंट डी एफ इज एन आई ए, एन नंबर ऑफ, नंबर ऑफ राउड इज वन, एन आई ए, और आई याद करो कन्वेक्शन कर्व का था, क्यू एफ होता है, लिखोगे एन आई, आई जो क्यू एफ, और एफ स्मॉल एन, तो क्यू क्यू इसका चार्ज डी क्यू इंटू एफ, डी एम इज एन आई ए, और आई और ए बनेगा पाई एक्स स्क्वायर, बस समझ लो क्या कर रहा हूं, आई इंटू ए ना, आई बनेगा क्यू एफ, तो क्यू के जगह डी क्यू इंटू एन, और ये वाला जो करंट लूप है वो कितना एरिया कवर कर रहा है, पाई एक्सिस पर, गड़बड़ है। अब डी क्यू रखेंगे, डी क्यू में क्या है कि रॉड ऑफ लेंथ लीनियर टाइम डेंसिटी, तो डी क्यू क्या होगा, डेंसिटी इनटू लेंथ डी एक्स, तो उन्होंने दे रखा कितना, रो नॉट अपॉन एल एक्स इनटू डी एक्स एंड पाई एक्सिस पर, लिख सकते हो, तो यहाँ से काम का बाहर निकलेगा, रो नॉट बाहर निकलेगा, एल बाहर निकलेगा, एन बाहर निकलेगा, पाई बाहर निकलेगा, और एक्स क्यू डी एक्स बन जाएगा रो नॉट। तो अब मैंने क्या किया, अब इसको इंटीग्रेट करोगे ना, डाउट है क्या इसमें, लिमिट जीरो से लेके एल तक इंटीग्रेट कर दो, जीरो से लेके एल तक, तो इससे क्या बनेगा, रो नॉट एन पाई, और एल का पार्ट फोर अपॉन फोर, तो ये एल क्यू बन जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज रो नॉट अपॉन फोर एन पाई एल क्यू, जो कि तुम्हें दिख रहा है किसमें, सी पार्ट में दिख रहा है, गॉट इट, ओके। तो इस तरीके से मैंने तुम्हें 71 ईयर जेई मेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कस किया, ठीक है। तुम्हें क्या करना होगा कि ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा, जीसा का है ना, मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लेना, और जो भी अगला डिस्कस करना होगा मैं क्या करूँगा, तुम्हें शेयर कर दूंगा, कौन सा चैप्टर होगा अगले दो दिन तीन दिन के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, अगर तुम्हें कोई डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और क्लास में पूछ भी सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। थैंक यू।